असद भाई पुक्की आया भाई माशाल्लाह। ये भाई जबरदस्त लड़का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं एमएस फिशिंग टीवी। भाई आज भी केमाड़ी से प्रोग्राम बना लिए, अपनी बुकिंग है, बंदे लेके जा रहे हैं आज। और हवा भी नहीं है, मौसम तो सेट है आज। चारा वगैरह भी ले लिया है, चारे में झींगा, मैया, थोड़ा सा बांगड़ा, थोड़ी सी गोई और भी कुछ स्पेशल सामान भी लाए हैं हमारे शिकारी। तो चलें पहले शिकारियों से मिलवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आज तारीख है 7 फरवरी 2023, मंगल का दिन है और मेरे शिकारी पहुंच चुके हैं, मिलवाते हैं। ये हमारे साथ हैं इमरान साहब, उनके बाद हैं आमिर, परवेज भाई, एहसान भाई हो गए और ये गिसर के शिकारी हो गए हमारे सुहेल साहब, और ये एहसान भाई, एहतशाम भाई, फिर एहसान बोल रहा था। फोटो ये हमारे साथ हैं रहमत, 101 रहमत 38। ये हमारे असद भाई जो हैं ये फॉर्म फिल करने में लगे हुए हैं, नाम लिख रहे हैं सबके। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम वाले भाइयों को, आज हम भाई के साथ शिकार पर आए हुए और सब ऐसे ही बैठे हैं। नाम बताओ अपना। आमिर भाई, ठीक है भाई जी। तो भाइयों जगह पे पहुंच गए हैं हम, ज़्यादा दूर नहीं गए, 4 नंबर पे ही हैं और 8 बजे निकले थे हम, 8:30 बजे, और अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे पहुँचे हैं। तो उसकी वजह है कि हमारे कुछ बंदों के पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नहीं था। अक्सर मैंने पहले भी वीडियो में भी बताया है और बंदों से भी कहा था कि भाई जो बंदा आ रहा है वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाजमी ले कर आए। उसकी वजह से हम लेट हुए क्योंकि ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के बिना नहीं छोड़ते, हमें बंदा उतार के आना पड़ा। तो अभी मेरे शिकारियों ने डोरें शुरू कर दी हैं, मैं भी अपनी जगह देख के बैठता हूँ, मछली पकड़ते हैं, दिखाते हैं आपको। एहतशाम भाई के पास आया है कोई छोटा सा लेडी फिश, ठीक है भाई ज़बरदस्त। क्या लाए? अरे माशाल्लाह साइज वाला कब्रदान आया। आमिर भाई ने भी कब्रदान निकाल लिया भाई, सामने नहीं आ रहा, आप आ गए सही। पहला आया कफरदान साइज वाला, किस पे लाया सर बाबू? इमरान भाई, इमरान भाई भी लेके आए हैं भाई कुछ, देखा है डांबे का बच्चा, मतलब इमरान भाई एक बार फिर से ला रहे हैं माशाल्लाह कुछ, माशाल्लाह देखते हैं क्या ला रहे हैं। नहीं, काफी खैर है। कफरतान साइज वाला कफरतान है, ऊपर करें इमरान भाई थोड़ा। माशाल्लाह भाई जबरदस्त। असद भाई भी ले आए भाई, कफरतान आ रहे हैं अभी, अभी तो कफरतान की रिपोर्ट है, कफरतान की रिपोर्ट है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद कोई मछली चेंज होने के चांस है, 12 बजे के बाद करो निकल जाएगी। किसको लगती है? शिकारियों को, शिकारियों को। कफरदान भाई जबरदस्त। भाई मैं तो डाल रहा हूं, तो भाई डाल रहा हूं। मारा तो ऐसा मारा, काकू ले आए साइज वाला, काकू ले आए भाई साइज वाला। अबे यार ये क्या ले आए, पफर फिश, रुक जाओ ये अभी फूल जाएगी। पफर तो नहीं है, पफर है भाई ये, पफर है। इसको काटो इधर, इसका चारा बड़ा अच्छा बनता है भाई। क्या लाए हैं? पुक्किया, सही जबरदस्त। हल्की टक टक आ रहा है ये लीजिएगा, बस है मेरे पास लकड़ी उकड़ी, ये तजर्बा करना है, कर चुका हूँ तजर्बा, करके देखते हैं भाई। ये बना के लाए इमरान भाई, चेक करते हैं किस पे आ रही है। इसको डालेंगे ये वाली साइड, डोरी के साथ घुस जाए अंदर मिला के, ऐसे हाँ ऐसे सीधा कांटे में जाएगी मछली पकड़े। नहीं भाई नहीं, इसको हम अपने तरीके से निकालेंगे। चारा क्या यूज कर रहा है सर? मैया लगा रहा हूँ सर, और मैया
आपको नहीं लगा रहा, बीच में भैया लगा रहा। ये अपना देसी जुगाड़, लकड़ी लगाई, डोर पकड़ी, घुमाया और कांटा बाहर। सुहेल भाई दिखाओ, जबरदस्त भाई, कुकड़ आया माशाल्लाह, अच्छे साइज का। पकड़ के कपड़े से पकड़ के निकाले, इसके सर में भी कांटे होते हैं। खाने वाली नहीं है, फेंकने वाली है। मुझे दे दे, मैं इधर से फेंक देता हूँ। नहीं नहीं, ये कपड़ा है उनके पास, अभी तो लाया है भाई कुछ। दिखाओ कहाँ है मछली, तो दिखाओ। देखो परवेज भाई भी कुछ लाए तो हैं। डांबा छोटा है, दिखाओ। अच्छा डांबा आया, सही है। भांगड़े पे, इस पे आए भांगड़े पे, भांगड़े सिलेंस बनाया था क्या? एहतशाम भाई ले आए कुछ, दिखाओ इधर से। दोनों के पास डामे आए, डामे आए भाई। मेरे पास क्या आ गया भाई? डांबों के घर पे लगता है हमला कर दिया हमने, डामे आ रहे हैं सारे। देखते हैं अभी इमरान साहब क्या ला रहे हैं। बोल रहे हैं बच्चा आया डामे का, बच्चे का भी बच्चा है, बच्चे का भी बच्चा है, दिखाएं ऊपर। ओए ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। बस डोर डालो और दो दो डांडे निकालो। कब्रिस्तान आ गया अभी, जबरदस्त। सामने करो, पुक्की आया अभी माशाल्लाह, सही साइज का। असद भाई ने भी निकाल लिया अभी कब्रिस्तान, अच्छे साइज वाले लग रहे हैं, कम लग रहे हैं लेकिन साइज अच्छे हैं। कब्रिस्तान बड़ी देर के बाद कब्रिस्तान आया। क्या ला रहे अरे माशाल्लाह भाई, ये कहा है? ऊपर उठाए जरा, कब्रिस्तान तो ये आया है फिर, जबरदस्त। इमरान भाई ने पकड़ा भाई, ये भाई जबरदस्त लड़के, आखिरकार मेहनत सफल हुई, कब्रिस्तान पकड़ लिया भाई, जबरदस्त। जी तो भाइयों, हमारा ट्रिप जो है वो पहुंच चुका है अपने आखिरी लम्हात में, बस थोड़ी देर में निकलने की तैयारी करेंगे। मछली की बात की जाए तो कोई ख़ास मछली नहीं लगी, उसकी वजह ये थी कि पानी में थोड़ा तेज़ी थी और पानी साफ भी नहीं था बाहर भी। यहाँ रुके थे शुरू में तो कुछ मछलियाँ पकड़ी थी, उसके बाद वापसी फिर यहाँ आगे कुछ और पकड़ी, और वहाँ बासी तक गए थे, वहाँ से पुकिया लगे, चार पाँच पुकिया भी पकड़े। बाकी आज हमारा टाइम जो है वो शिनाख्ती कार्ड की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, तो आप जब भी आएँ कोशिश करें कि ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड जो है वो लेके आएँ। बाकी मछली भी दिखाते हैं आपको, मैंने कोई 7-8 दाने पकड़े हैं, दिखाता हूँ आपको। ये मछलियाँ पकड़ी भाई टोटल कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ और एक ये बम्बोर, 9 मछलियाँ पकड़ी। बाकी भी किसी के पास इतनी है और किसी के पास इससे कम है, यही रिपोर्ट रही आज की। ठीक है सर, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हो गया है पूरा। अब हम निकलते हैं घर को, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।